हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब। मेरा नाम है कौशलेश और आप देख रहे हैं एडिट गुरु। स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने वीडियो का थंबनेल देख के समझ गया होगा कि मैं आज किस बारे में बात करने वाला हूँ। हाँ फ्रेंड्स, मैं यूट्यूब के फायदे के बारे में बात करने वाला हूँ कि कैसे यूट्यूब को फ़ायदा हो रहा है इस लॉकडाउन के अंदर। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं कि इस लॉकडाउन के अंदर यूट्यूब में ऐसा क्या हो गया, क्या सिचुएशन क्रिएट हो गया कि यूट्यूब को इतना बड़ा फ़ायदा होने लगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो को लेट नहीं करते हुए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और जी हाँ फ्रेंड्स, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मैं अगली बार जब भी वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने कुछ हफ्ते पहले देखा हुआ था कि हमारे जो कैरी भैया हैं, जिन्होंने टिकटॉक के एक क्रिएटर को लेकर और एक वीडियो रोस्ट अपना वीडियो बनाया हुआ था रोस्ट करके टिकटॉकर के ऊपर, उसके बाद यूट्यूब के ऊपर धमाल ही हो गया उनके वीडियो और वीडियो के ऊपर लाइक्स और कमेंट का और व्यूअर्स का। तो उसके बाद फिर टिकटॉकर्स ने इनके ऊपर हमला करना चालू कर दिया। यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो बनाए गए हैं टिकटॉक वर्सेज यूट्यूब, यूट्यूब वर्सेज टिकटॉक, बट यूट्यूब को ये सही नहीं लगा और कैरी भैया के वीडियो को डिलीट कर दिया गया। उसके बाद फिर टिकटॉकर्स ने हमें धमकी दे दिया कि तुम सब बड़े बड़े वीडियो बना के भी पॉपुलर नहीं हो पाते हो, हम एक 15 सेकंड का वीडियो बना के भी पॉपुलर हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यूट्यूबर्स ने जो जितने यूट्यूबर्स यूजर्स हैं उन्होंने भी हमने भी यूट्यूब यूनिटी अपना दिखा दिया कि हम भी कुछ कर सकते हैं। उसके बाद हमने अपने फ़ोन से एप्लीकेशन ही अनइंस्टॉल करना चालू कर दिया। तो फ्रेंड्स, जब कुछ टाइम हुआ करता था कि टिकटॉक का रेटिंग प्ले स्टोर पे 5 समथिंग हुआ करता था, बट इस टाइम में इस प्रेजेंट टाइम में जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ तो इस वीडियो के टाइम में टिकटॉक का रेटिंग 2 समथिंग है। तो फ्रेंड्स, ये क्यों हुआ और कैसे हो रहा है, और बात हम अपने टॉपिक के ऊपर चलते हैं कि यूट्यूब को कैसे फ़ायदा हो रहा है, तो बात करते हैं। तो पहले सबसे पहले बात करते हैं कि टिकटॉक है क्या और कहाँ से स्टार्ट हुआ, ये कैसे ये एप्लीकेशन इतना पॉपुलर हो गया। तो फ्रेंड्स, बात करते हैं तो टिकटॉक ये फ्रेंड्स चाइनीज एप्लीकेशन है जो कि सबसे पहले चाइना में स्टार्ट किया गया था, और इस चाइना एप्लीकेशन का नाम पहले टिकटॉक नहीं था। इसका पहले नाम था चाइनीज लैंग्वेज में ट्विन नाम था, बट अभी इसका टिकटॉक नाम है। ये पहले चाइना के लोग यूज़ करते थे, बट आज से 2-3 साल पहले ये चाइना में यूट्यूब करता था, बट कुछ ही दिनों के बाद ये धीरे धीरे अपने बहुत सारे कंट्री में फैल गया, जैसे कि इंडिया हो गया जिसमें 60% 80% टिकटॉक यूज़र इंडिया के ही हैं, और हमारे से भी पहले ये अमेरिका में स्टार्ट हुआ है, जो कि आपको पता होगा कि अमेरिका में ये टिकटॉक बैन होने वाला था। तो फ्रेंड्स, बट ये बैन हो नहीं पाया क्योंकि बैन होने से पहले ही ये लोगों के फ़ोन में जा चुका था और पीपल ये इससे लाइक करना चालू कर दिए थे और वीडियो भी अपना शूट कर रहे थे। धीरे धीरे ये इंडिया में भी आ गया और इंडिया में भी अपना पैर फैलाने लगा, और आज ये 60% इंडिया ही यूज़ करता है टिकटॉक को। तो फ्रेंड्स, इसके कारण टिकटॉक को बहुत बड़ा फ़ायदा हो रहा था, बट हमारे इस कैरिबिया के वीडियो के बाद टिकटॉक का रेटिंग बहुत कम हो गया और हमने अपने फ़ोन से टिकटॉक नाम का एप्लीकेशन को डिलीट ही कर दिया। तो उसके बाद से टिकटॉक जितने भी यूज़र थे उसके वो सब कहाँ जाएंगे। तो मैं बात करता हूँ उस पॉइंट को रिलेट करके जो मैंने वीडियो कंटेंट में डाला हुआ है कि यूट्यूब को फ़ायदा होने वाला है, फ़ायदा हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने सुना कि हम सबों ने अपने फ़ोन से टिकटॉक नाम के एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दिया, तो उसके बाद तो जितने भी टिकटॉक यूज़र थे वो कहाँ जाएंगे, वीडियो कहाँ देखेंगे। उसके बाद धीरे धीरे जितने भी यूज़र थे वो या तो इंस्टाग्राम पे जाएंगे या फेसबुक पे जाएंगे या यूट्यूब को यूज़ करेंगे। या एक और फ्रेंड्स, मैं बात बता दूँ कि जितने हमारे इंस्टाग्राम के यूज़र थे उसको क्रॉस करने वाला था टिकटॉक, बट ऐसा हो नहीं पाया। हमने उससे पहले ही उसके रेटिंग को डाउन कर दिया, उसके यूज़र कम हो गए और अब तो बहुत ही कम हो गए हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप समझ ही रहे होंगे कि ये कैसे फ़ायदा हो रहा है, जितने भी अभी यूज़र थे अब या तो फेसबुक पे जाएंगे या इंस्टाग्राम या यूट्यूब पे आएंगे। तो जहाँ तक अभी तक देखा गया है कि जितने भी यूज़र थे
उससे अभी यूट्यूब पे जितने पहले थे बट अभी के टाइम में वो बढ़ चुके हैं। ये फ्रेंड्स टिकटॉक अनइंस्टॉल करने की वजह से ही हुआ है। आज फ्रेंड्स टिकटॉक जब से अनइंस्टॉल हुआ है यूट्यूब का रेटिंग बहुत मतलब रेटिंग ही क्या यूट्यूब पे व्यूज भी बढ़ने लगे हैं, सब्सक्राइबर भी बढ़ने लगे हैं क्योंकि टिकटॉक के जितने यूजर थे अब यूट्यूब पे आ चुके हैं। तो इसके कारण फ्रेंड्स यूट्यूब को बहुत फ़ायदा हो रहा है। तो आई थिंक ये वीडियो फ्रेंड्स आपको बहुत इन्फॉर्मेशन लगा होगा और अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।